भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, बल्कि पिछले एक दशक में भारत की जो तस्वीर बदली है उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत की विश्व में एक अलग पहचान बनी है। वैश्विक स्तर पर हमारा देश हर क्षेत्र में इतिहास रच रहा है। इस नए भारत ने अर्थव्यवस्था से लेकर सामरिक क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए एक अहम मुकाम है। वैश्विक गरीबी सूचकांक में भारत की स्थिति काफी बेहतर हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 वर्षों में भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन में भारत के प्रयासों की सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक परिवर्तन बताया है। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि भारत कैसे गरीबी पर विजय हासिल करता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की एक रिपोर्ट में भारत के 15 वर्षों में पूर्व महामारी के रुझानों पर प्रकाश डालती है, जहां गरीब राज्यों और समूह के साथ गरीब लोगों की संख्या में लगभग 415 मिलियन यानी 41.5 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच यह बदलाव देखने को मिला है। शहर बनाम गांव, कहां कितने गरीब। रिपोर्ट कहती है गांव और शहर के बीच गहरी हुई अभी तक खाई पट नहीं पाई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का अनुपात 21.2% है। वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों का आंकड़ा 5.5% है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 59 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो बिजली और भोजन के लिए ईंधन तक नहीं जुटा पा रहे हैं। 40% गरीब यानी 43 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। 37 करोड़ गरीब लोग आवास, पोषण और ईंधन तीनों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत अब इन सभी समस्याओं से उभर चुका है। रिपोर्ट कहती है कि भारत की प्रगति दर्शाती है कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर पाना इतने बड़े पैमाने पर भी मुमकिन है। वर्तमान में विश्व बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ग्रामीण आबादी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और पूर्ण रूप से गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार किया जा सके। तो ये नए भारत की नई तस्वीर है जो दुनिया को ये साफ संदेश दे रही है कि आने वाला वक्त उसका होगा और वैश्विक स्तर पर भारत का परचम हर क्षेत्र में लहराएगा।